बता रहे हैं कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। गाजियाबाद में पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, 198 करोड़ की लागत से बनेगा इंस्टीट्यूट। नेताओं की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा 60 बीघा में इंस्टीट्यूट बनेगा। कैबिनेट के अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट में 18 अहम फैसले हुए हैं। गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, 198 करोड़ की लागत से यह इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। नेताओं की ट्रेनिंग के लिए यह इंस्टीट्यूट बनेगा, खासकर नेताओं की यहां पर ट्रेनिंग हुआ करेगी। 60 बीघे में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। 3 मेलों के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव भी पास हुआ है कैबिनेट की बैठक में, और इसके साथ ही मिर्जापुर के विंध्याचल शक्तिपीठ भी इसमें शामिल रहा। नैमिषारण्य का मां ललिता देवी भी शामिल, डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी व्यवस्था करेगी। कैबिनेट में डबल लेखा व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है, सभी निकायों में सीएजी के अनुसार मंजूरी। भू संपदा विनियम और विकास अधिनियम 2016 के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्टों के पंजीकरण हेतु विकासकर्ता एवं आवंटियों के मध्य निष्पादित होने वाले विक्रय अनुबंध, जिसको हम एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं, की शर्तों से संबंधित नियमावली उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट ब्रैकेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल्स 2018 पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचारोपरांत अनुमोदन प्राप्त प्रदान किया गया है। जो प्रदेश स्तर के मेले हैं और उसी हिसाब से इन लोगों को आर्थिक रूप से अनुदान दिया जाएगा, और व्यवस्था जो है वो जैसा कि बताया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इसको एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है संचालित होगी उन मेलों की, और पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो बेसिक सुविधाएं हैं उन मेलों में उपलब्ध कराएं, ताकि वहां पर श्रद्धालु या दर्शनार्थी या जो भी लोग वहां पर आएं उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार का इंस्टीट्यूट ये पहला बन रहा है। वैसे तो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इस प्रकार का एक बृहद लेवल के ऊपर हम पॉलिटिकल वर्कर को ट्रेनिंग कर दे दें, जो पॉलिटिक्स में नए इंटर करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार होने जा रही है। समाता फरमान अब्बास इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फरमान, कैबिनेट में क्या कुछ फैसले हुए, क्या कुछ अहम जानकारी इस कैबिनेट बैठक को लेकर, क्या कुछ अहम प्रस्ताव इसमें शामिल रहे? देखिए लक्ष्मी, आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें 18 प्रस्ताव लाए गए थे और उन पर मोहर लगी है। सबसे अहम अगर प्रस्तावों की बात हम करें तो स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल लीज रूल्स 2018 में संशोधन को अनुमति मिली है। इसमें जो विक्रय अनुबंध की शर्तें हैं उसमें बायर्स और जो बिल्डर है दोनों की शर्तें अब समाहित होंगी, यानी कि पहले जो बायर्स की शर्तें नहीं रहती थी वो इसमें रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जो 198 करोड़ की लागत से बनेगा 60 बीघा में, जहां पर नेताओं और जो राजनीति में जो लोग जिन लोगों की दिलचस्पी हो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर हम प्रस्तावों की बात करें तो जीएसटी की धाराओं में संशोधन और सरलीकरण का प्रस्ताव लाया गया है, जिससे व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। कुल 18 प्रस्ताव थे, जिसमें यूपी पर्यटन नीति 2018 से संशोधन से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव लाया गया। बहुत शुक्रिया फरमान अब्बास इस विस्तार से जानकारी देने के लिए। चित्रकूट से